ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता, बने रहे इस वीडियो के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। अकाउंट से रिलेटेड ये वीडियो है, हिंदी मीडियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे सरल सा चैप्टर है पूरी की पूरी दोनों पार्ट बुक में। तो यहाँ पे इस चैप्टर में आप सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा ये है कि सूत्र से रिलेटेड है और इजीली आप इसे समझ सकते हो, इसलिए इस वीडियो में आप बने रहिए। इसके पिछले वीडियो में हमने इसकी थियरी पॉइंट देख लिए थे, अब हम उसके बाद के वीडियो में ये पॉइंट्स देखेंगे कि उससे इसके सवाल किस तरह से आते हैं और इसमें एक पद्धति इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे ख्याति का मूल्यांकन करने की मुख्य पद्धतियाँ मैंने आपके सामने रख दी है, ये पद्धतियाँ, इन पद्धतियों के अलावा और कोई पद्धति नहीं है। तो ख्याति के मूल्यांकन की कुल मिला के चार पद्धतियाँ हैं, चारों पद्धतियों के नाम कुछ इस तरह से हैं। सरल औसत लाभ की पद्धति, कई जगह पे सरल शब्द नहीं इस्तेमाल किया जाता, केवल औसत लाभ कहा जाता है, उसका मतलब भी वही है, सरल औसत लाभ की पद्धति। दूसरा है भारित औसत लाभ की पद्धति, तीसरा है अधिक लाभ की पद्धति, चौथा है लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। लाभ को पूंजीकृत करने में लाभ को दो भागों में बांटा गया है, एक भारित लाभ और एक अधिक लाभ। तो भारित लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति और अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, दोनों पद्धतियां चौथी पद्धति का ही हिस्सा हैं। तो ये चारों के चारों पद्धतियां हम आगे आने वाले पॉइंट्स में सीखेंगे। मैं एक एक करके सभी के सभी पद्धतियां और उससे रिलेटेड आपको सवाल सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सरल औसत लाभ की पद्धति सिखाने वाला हूं। इस वीडियो में हम केवल इसी पद्धति को देखेंगे, पहले इस पद्धति को देखते हैं, फिर मैं आपको एक एक करके अपनी आने वाली वीडियोस में सभी पद्धतियां इजीली तरीके से सिखा दूंगा और किस तरह से याद रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम पहली पद्धति जिसकी मैंने चर्चा की, सरल औसत लाभ की पद्धति। सरल औसत लाभ की पद्धति पूरी चार पद्धतियों में से सबसे सरल पद्धति होने की वजह से इसे सरल औसत लाभ की पद्धति भी कहते हैं। सरल औसत लाभ की पद्धति आप दो स्टेप्स में पूरे कर सकते हो, मैंने इसे स्टेप वाइज बाइफर्गेट कर दिया है। स्टेप वाइज करने से आपकी कहीं कोई मिस्टेक आएगी नहीं। स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, औसत, औसत का मतलब होता है, गुजराती में इसे सरेरास कहते हैं, हिंदी में इसे औसत कहते हैं और कई जगह पे इसे माध्य भी कहा जाता है। तो माध्य निकालने वाला सिस्टम जो है वही औसत कहलाता है। औसत लाभ का सूत्र होता है, आपके पास पीढ़ी के कुल लाभ को आप पीढ़ी के कुल वर्षों की संख्या से भाग दे दोगे तो आपको औसत लाभ मिल जाएगा। स्टेप नंबर टू, जैसे ही हमारा औसत लाभ मिलेगा उसी औसत लाभ को हम खरीदी के वर्ष से अगर गुणा कर देंगे तो हमें हमारी ख्याति मिल जाएगी। ये खरीदी के वर्ष आपको प्रश्न में दिए होंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में खरीदी के वर्ष आपको दिए होंगे, आपको पढ़ना है जहाँ पे जिन वर्ष जितने वर्षों के साथ खरीदी शब्द जुड़ा हो वो खरीदी के वर्ष होंगे। नोट आपको याद रखनी है, यदि खरीदी के वर्ष प्रश्न में ना दिए गए हो, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न में खरीदी के वर्ष नहीं दिए गए, तो खरीदी के वर्ष ना दिए हो तो हम खरीदी के वर्ष क्या लेंगे, एक मानकर चलेंगे। और दूसरी नोट आपको ये ध्यान रखनी है, आपके क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको वर्ष और लाभ दिया होता है, वर्ष और लाभ दिया होता है। यदि कोई लाभ यहाँ पे ब्रैकेट में हो या फिर माइनस की साइन के साथ हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ चिन्ह ध्यान में जरूर रखिएगा, ब्रैकेट का चिन्ह या माइनस की साइन का चिन्ह, ये दोनों चिन्ह यह दर्शाते हैं कि इस वर्ष में हमें लाभ के बजाय हानि हुई है, और अगर लाभ के बजाय हानि हो तो उसे हम लाभ में से घटाते हैं, जोड़ते नहीं है, उस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। इसे मैं और क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा, क्वेश्चन जैसे ही आएगा उसमें मैं फिर से इस नोट को रिवाइज करूंगा, इस नोट को फिर से रिवाइंड करवाऊंगा, ओके। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, मैंने आपको एक सूत्र की लिस्ट दी, उस सूत्र के हिसाब से अब हम धीरे धीरे उसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो उस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण से उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। उदाहरण नंबर एक जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 91 पर आया हुआ है, ये क्वेश्चन आप पेज नंबर 91 से पढ़ सकते हो। मेरे वीडियोज़ देखते टाइम पर आप अपनी किताब को और नोटबुक को और बॉलपेन को साथ में रखिए, मेरे साथ साथ आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है तो भी आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर से भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। पेज नंबर 91 के क्वेश्चंस को मैं रीड करूंगा एक बार। निम्नलिखित माहिती से नरेश और निकुंज की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत पीढ़ी के अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी, नोट डाउन कीजिएगा, देखो दो यहाँ पे दो दो वर्ष दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 5 वर्ष और एक दिया हुआ है 3 वर्ष,
पर जिन शब्द के जिन वर्षों के साथ खरीदी शब्द जुड़ा है वो हमारे खरीदी के वर्ष हैं। तीन वर्ष की खरीदी, तो अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे, तीन वर्ष की खरीदी नोट डाउन कीजिएगा, तीन वर्ष की खरीदी यहाँ पे। अंतिम पाँच वर्षों की माहिती निम्नानुसार है, मैं एक बार माहिती लिख लेता हूँ। वर्ष दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर, वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16। यहाँ पे धंधे का लाभ दिया हुआ है, धंधे का लाभ है पहले वर्ष में 2 लाख, दूसरे वर्ष में 2,10,000, तीसरे वर्ष में 1,90,000, चौथे वर्ष में 2,15,000 और पांचवें वर्ष में 2,20,000। इस तरह से हमें प्रश्न दिया है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा और प्रश्न को अब मैं सॉल्यूशन की ओर लेकर जाता हूँ। तो प्रश्न क्या है एक बार मैं फिर से रीड करूँगा कि निम्नलिखित माहिती से निलेश और निकुंज की ख्याति की कीमत ज्ञात करनी है। ख्याति की कीमत ज्ञात करनी है, तो ख्याति की कीमत ज्ञात करने से पहले आपको इस पॉइंट का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे पाँच वर्ष की माहिती निम्नानुसार है और पाँच वर्ष की माहिती के आधार पे हम ख्याति ज्ञात करने वाले हैं तीन वर्ष की खरीदी के आधार पर। तो तीन वर्ष की खरीदी का वर्ष दे दिया, तो बस इतना सा ही सूचना दे रखी है। इतनी सी सूचना दे रखी हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करना है, हमें सिर्फ एक बार एक नोट ध्यान रखनी है। वो नोट मैं आपको भाई तो असत आपकी पद्धति करूँगा, तब वहाँ लिखवाने वाला भी हूँ। एक बार आपको आपके लाभ पे नज़र घुमाना है, आपके लाभ पे नज़र घुमाते टाइम पे आप लाभ की रकम ध्यान में रखिएगा। पहले वर्ष में 2 लाख, दूसरे वर्ष में 2,10,000 बढ़ा, तीसरे वर्ष में 1,90,000 फिर घटा, फिर 2,15,000 फिर बढ़ा। तो जब कभी भी लाभ घटता और बढ़ता दिखाई दे तो आपको कोई पद्धति ना कही हो तो आप निश्चिंत रूप से ये निश्चित कीजिए कि हम वहाँ पर सरल औसत लाभ की पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे? सरल औसत लाभ की पद्धति। कब इस्तेमाल करना है? जब आपका लाभ घटता बढ़ता दिखाई दे तब। लगातार घटता या लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो उसमें आपको भारित औसत लाभ की पद्धति का इस्तेमाल करना है। भारित औसत लाभ की पद्धति का जब हम वीडियो देखेंगे या बनाएंगे उस समय पर मैं आपको उसको फिर से रिपीट करवाऊंगा। तो यहाँ पर सरल औसत लाभ की पद्धति का इस्तेमाल होगा, इसका कारण है यहाँ पे लाभ घटता बढ़ता दिखाई दे रहा है और औसत की पद्धति का ही केवल इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो केवल औसत की पद्धति से ये सिंपल तरीके से हमारा काम हो सकता है। तो पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे हमारा पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमें औसत लाभ निकालना होता है। तो औसत लाभ बराबर कुल लाभ बटे में कुल वर्षों की संख्या, ये हमारा स्टेप नंबर 1 था जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट में देखा। इस पॉइंट को हम ध्यान में रख करके कुल लाभ देख लेते हैं। कुल लाभ कैसे आएगा? कुल लाभ आपको आपके कैलसी का इस्तेमाल करना है। कैलसी से हम टोटल कर लेंगे, कैलसी से टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, 9 और 1 यहाँ पे 10 और 10,35,000। ये हमारा कुल लाभ होगा। कुल लाभ हमें मिल जाए तो कुल लाभ की कीमत रखनी है 10,35,000 बटे कुल वर्षों की संख्या। कुल वर्ष हमें टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, इसके अलावा गिनती कर लेनी है 1, 2, 3, 4 और 5। कुल मिला करके हमारा रकम होगा 5 × 10 2,07,000। कैलसी का इस्तेमाल करके आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। औसत लाभ बराबर 2,07,000। 2,07,000 ये हमारा औसत लाभ आया। अभी भी हमारी ख्याति नहीं आई है तो स्टेप नंबर 2 हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 2 ख्याति, सबसे पहले ख्याति का सूत्र दो। जो औसत लाभ आपका आया, औसत लाभ गुणा में खरीदी के वर्ष। ये सिंपल सा ट्रिक है। ख्याति का दूसरा जो सूत्र है वो सिंपल सा सूत्र आएगा, औसत लाभ गुणा में खरीदी के वर्ष। औसत लाभ हमारा आया 2,07,000 गुणा में खरीदी के वर्ष।
खरीदी के वर्ष आपके क्वेश्चन रीड करते टाइम में मैंने आपको टिक करवा दिया था 3 वर्ष की खरीदी के आधार पे, तो हमारा आंसर आएगा 6,21,000, जो कि ख्याति की सीधी सीधी सी रकम है और ये हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमें ख्याति निकालने के लिए कहा था, ख्याति हमारी निकल गई और ये फाइनल हमारा आंसर आ गया।